आज का जो हमारा वीडियो है वो है एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेना। क्या हमारा बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में होना चाहिए तभी जाके हमें पर्सनल लोन मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि किसी का अकाउंट अगर एक्सिस बैंक में ना हो फिर भी वो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका अकाउंट एक्सिस बैंक में हो वो भी अप्लाई कर सकता है, और जिसका अकाउंट एक्सिस बैंक में ना हो वो भी एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, उसका फॉर्म ऑनलाइन भर सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सिस बैंक से हमें कितना अमाउंट लोन के ज़रिए मिल सकता है, कितने लोन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, और उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और हमें ये अगर लोन अप्लाई करना है तो उसकी यहाँ पे प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी कि हम स्टेप बाय स्टेप हम जो प्रोसेस करेंगे उस तरीके से आप फॉलो करेंगे, आप उस तरीके से एक्सिस बैंक का लोन के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसका एप्लीकेशन भरेंगे, तो आपको ये लोन मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा कि उसकी क्या एज होनी चाहिए, उसका जो मंथली इनकम है, जो एनुअल इनकम है वो क्या होना चाहिए, हम इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं TNS टेक्निकल चैनल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी भी दबा दे। तो चलिए करते हैं शुरू। एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ध्यान रखें कि हमेशा किसी भी प्रकार का आप लोन लेते वक्त आप क्रोम ब्राउज़र का ही इस्तेमाल करें। तो चलिए मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक पर्सनल लोन यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमें इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे पहली लिंक और दूसरी लिंक जो है आपको ये ऊपर नीचे हो सकता है, आपको ध्यान रखें कि हमेशा आप दूसरे लिंक पे ही आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे दूसरे लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से हमें इंटरफेस आ जाएगा। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं हमें एक्सिस बैंक से होम लोन मिल सकता है, पर्सनल लोन मिल सकता है, बिजनेस लोन मिल सकता है, कार लोन मिल सकता है और टू व्हीलर लोन मिल सकता है। तो आज हम बात करते हैं पर्सनल लोन के बारे में। आज हम अप्लाई करने वाले हैं पर्सनल लोन, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लोर मोर पे हम क्लिक कर देंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हम जो हमारा अमाउंट है, अगर हमें 50,000 रुपये अगर एक्सिस बैंक से अगर लोन मिलता है और हम वो 12 महीने के लिए लेते हैं, जो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 10.49 का अगर हो तो हमें जो हर महीने का जो EMI आएगा वो 4,407 रुपये आएगा। तो इसी तरह आपकी जो अमाउंट है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपकी जो आपको अमाउंट मिलेगी आप वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये EMI कैलकुलेटर में कि आपकी जो अमाउंट पर आपको हर महीने कितना EMI आ सकता है। तो चलिए हम यहाँ से नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है और जो हमें लोन अमाउंट मिलेगी वो कम से कम यहाँ पे 50,000 रुपये मिलेगी। मतलब जो हमें डॉक्यूमेंट भी देने हैं वो कम से कम यहाँ पे डॉक्यूमेंट देने हैं, और जो अमाउंट हमारा जो होने वाला है, जो मिलने वाला है, वो कम से कम हमारा जो अमाउंट है वो 50,000 रुपये से नीचे नहीं आएगा, 50,000 रुपये से ज़्यादा ही मिलेगा। वो डिपेंड करता है हमारे सिविल से, हमारे क्रेडिट स्कोर के ऊपर और जो हमारा प्रोफाइल है उसके ऊपर। अगर हमने पहले कोई लोन लेके रखे उनका पेमेंट अगर हम टाइम टू टाइम कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा जो लोन है वो सैंक्शन हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप हमें कम से कम एक्सिस बैंक से जो अमाउंट मिलेगी वो 50,000 रुपये होगी। तो चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे चेक योर एलिजिबिलिटी पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें फिर से पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर दिखाई देगा। तो हमें यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ये पर्सनल लोन किसे मिलेगा। तो यहाँ पे सैलराइड एम्प्लॉय, सैलराइड डॉक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर में जो IT सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सेल्फ एम्प्लॉय के लिए यहाँ से लोन नहीं मिलेगा, यहाँ से लोन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास आपका GST होना चाहिए, वो रिक्वायर्ड है यहाँ पर कि आपका जो आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपके पास उसका GST नंबर होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमें लोन लेना है तो हमारी जो उम्र है, हमारी एज है, वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी उम्र है, जो हमारी एज है,
वो 60 साल होनी चाहिए। तो 21 साल और 60 साल के बीच में अगर हमारी उम्र है, हमारी एज है, तो हम इस लोन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो अभी चलते हैं, हम बात करते हैं कि हमारी जो इनकम है हर महीने की वो कितनी होनी चाहिए, सालाना इनकम कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो हर महीने की इनकम है, तो यहाँ पे हमारे कम से कम इनकम 15,000 रुपये होनी चाहिए। तो काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है, यहाँ पे कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें 50,000 रुपये या 60,000 रुपये हमारी मंथली इनकम यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कम से कम 15,000 रुपये अगर हमारे महीने की कमाई है, तो इस लोन के लिए हम एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और जो हमारी यहाँ पे अगर एनुअली इनकम की बात करेंगे, तो 1,44,000 1.5 लाख के आसपास अगर हमारी इनकम हो, फिर भी हम इस लोन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, चलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट की। तो अगर डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, तो हमें एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना है, उसके बाद जो हमारे KYC के जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी पासपोर्ट फ़ोटो, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप और आपका जो सैलरी अकाउंट है उसका 3 महीने का आपको स्टेटमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये 100% लोन मिलेगा। अगर आपकी महीने की कमाई अगर 15,000 रुपये है, तो आपको ये 101% यहाँ पे आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है एक्सिस बैंक की तरफ से। मैं और एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आपका अकाउंट अगर एक्सिस बैंक में हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका अगर बैंक में अकाउंट हो फिर भी आपको ये लोन मिलेगा, और अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में ना हो फिर भी आपको ये लोन मिलेगा। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको ये 100% आपका अगर अकाउंट हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको अगर ये लोन अप्लाई करना है तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हम जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अभी अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। हमें कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में है, या अगर आपका बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में नहीं है, तो अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में हो तो यस कर देना है, आपको ये पहले वाले पे क्लिक कर देना है। अगर आपका नहीं है तो आप इस दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे। तो मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, लेकिन वो मेरा करंट अकाउंट है, वो बिजनेस अकाउंट है। तो मुझे अभी एक पर्सनल लोन लेना है, तो मेरा जो सेविंग अकाउंट है वो एक्सिस बैंक में नहीं है, तो मैं यहाँ पे दूसरे लिंक पे क्लिक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख नीचे देख सकते हो, हमारा जो EMI स्टार्ट होने वाला है 2,187 रुपये से हर महीने का। कम से कम जो EMI रहेगा वो 2,187 रुपये रहेगा। जो हमारा टेन्योर है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक हमें ये लोन यूज़ करने के लिए मिलेगा। 60 महीने हम इस लोन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि हमें ये लोन चुकता करने के लिए, ये रीपेमेंट करने के लिए हमें 60 महीने यानी कि 5 साल यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो, हम फ़ोन से ही हमारा जो लोन है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो इंस्टेंट तरीके से हो जाता है। अगर हम यहाँ से लोन अप्लाई करेंगे तो 2 से 3 दिन में हमारा जो लोन है वो अप्रूवल उसका मिल जाएगा। अगर आपके सही डॉक्यूमेंट, आपका सिविल सब सही हो, तो आपका ये प्रोसेस होने में टाइम नहीं लगेगा, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, और इंस्टेंट तरीके से आपका ये लोन का जो अमाउंट है आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में हो तो भी अच्छी बात है, अगर आपका नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से, मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में जो पर्सनल लोन मुझे लेना है, तो मुझे यहाँ पे सेविंग अकाउंट मेरा नहीं है, तो यहाँ पे मैं I am not Axis Bank कस्टमर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे सिटी सिलेक्ट कर देनी है, तो सिटी यहाँ पे मेरी शो नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे अदर कर देंगे। आपकी भी अगर यहाँ पे शो नहीं हो रही तो आप अदर पे क्लिक कर देंगे। आपका यहाँ पे इनकम पूछा गया है कि आप कितना कमा लेते हो, तो यहाँ पे मैं 40K से 50K क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ़ इंटरेस्ट भी आ गया कि हमें कम से कम कितना रेट ऑफ़ इंटरेस्ट लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है वो कितना लगेगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो आपको सालाना रेट ऑफ़ इंटरेस्ट लगेगा वो 10.49 से 24% तक, मतलब 10.5% से आपको 24% तक यहाँ पे रेट ऑफ़ इंटरेस्ट लगेगा। जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है वो 10.5% से, और ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है वो 24% से। तो ऐसा नहीं है कि हमें 24% से मिलेगा या 10.5% से मिलेगा। तो इसके बीच में आपके सिविल पे, आपके क्रेडिट कार्ड, आपके क्रेडिट पे और आपके प्रोफाइल पे ये डिपेंड कितना लगेगा। जो लोन अमाउंट है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जो लोन अमाउंट है यहाँ पे
कम से कम 50,000 रुपये से 15 लाख तक हमें यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब हमें जो लोन अमाउंट मिलेगा, लोन मिलेगा वो कम से कम उसकी जो अमाउंट होगी वो 50,000 रुपये यहाँ पे होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपये तक हो जाएगी। तो टेनोर की बात करेंगे तो यहाँ पे आप टेनोर भी चेक कर सकते हो। हमें 12 महीने से 60 महीने तक, मतलब 1 साल से 5 साल तक हमें ये लोन यूज़ करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे एक्सिस बैंक की। तो चलिए हम यहाँ पे अभी थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हो तो आप यहाँ पे एस कर देंगे, अगर नहीं हो तो नो कर देंगे। तो मैं यहाँ पे नो ही सिलेक्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे हमें फ़ोन नंबर डालना है, हमारा स्टेट डालना है, हमारी जो सैलरी है मतलब हम एम्प्लॉय है, क्या काम करते हैं वो यहाँ पे टाइप कर देना है, आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे जो हमारी इनकम है वो हमने यहाँ पे पहले से ही सेट कर दी है। फिर हमें यहाँ पे हमारा नाम डालना है, हमारा ईमेल आईडी, हमारे सिटी, और यहाँ पे हमें कैप्चा फिल कर देना है, और यहाँ पे जो नीचे चेकबॉक्स है वो हमें बाद में यहाँ पे चेक करके हमें सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरा फटाफट से यहाँ पे मेरी डिटेल यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरा जो फॉर्म है यहाँ पे फिलअप कर दिया है, बाकी के जो मेरे डॉक्यूमेंट मतलब मेरे जो यहाँ पे डिटेल है मैंने यहाँ पे फिल कर दिए। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने नो रखा है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर, मेरा स्टेट, सेल्फ एम्प्लॉय, मेरा नाम, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे मेरी सिटी, और यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे कैप्चा फिल कर दिया है। तो अभी उसके बाद हमें नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे हमें क्लिक कर देना है और यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हमें एक्सिस बैंक से हमें एक OTP आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे OTP मिल गया है। तो यहाँ पे हमें OTP सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से OTP सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे ही हमने वहाँ पे OTP सबमिट किया, OTP सेंड किया, तो कुछ इस तरह से हमें पेज मिल गया, कुछ इस तरह से हमें मैसेज आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, यू विल रिसीव अ कॉल फ्रॉम स्टार्टिंग नंबर 040। मतलब आगे इसके बाद हमारा जो फॉर्म है वो ऑनलाइन एक्सिस बैंक के पास चला गया है। उसके बाद जो उनके एम्प्लॉय है हमें 1 से 2 दिन में हमें कांटेक्ट करेंगे, और उसके बाद हमारे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, हमारे KYC डॉक्यूमेंट है, हमें जो लोन के लिए चाहिए वो हमें उनके पास सबमिट कर देने, और उसके बाद जो हमारा अप्रूवल है, जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारे पर्सनल लोन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उनके बाद और उसके बाद जो हमें अप्रूवल मिलेगा, जो हमारा लोन अप्रूवल हो जाएगा, जो भी हमारी अमाउंट है हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो एक्सिस बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई करना बहुत ही आसान है। अगर हमारा बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारा प्रोफाइल, हमारा सिविल स्कोर, हमारा क्रेडिट स्कोर अगर 750 के ऊपर है तो एक्सिस बैंक से अगर हम जो पर्सनल लोन है उसको अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पर चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक्सिस बैंक से हमारा अप्रूवल आने के लिए। जो हमारा लोन होता है उसका अप्रूवल यहाँ पे हमें मिलने के जो चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।